जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने कहा है कि स्थानीय आतंकियों को एनकाउंटर में मारा ना जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफ्सपा कानून जिससे सेना को विशेष ताकत मिलती है, जिससे वे शक होने पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं या फिर उन्हें हिरासत में ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात ठीक होते ही अफ्सपा हटा लिया जाएगा। पुलिस बल के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे बच्चे जो आतंकवादी बन गए हैं, मैं पुलिस से अपील करती हूं कि ऐसी कोशिश की जाए कि वे वापस आएं। एनकाउंटर में मार गिराए जाने की बजाय उन्हें वापस मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके हाथों में बंदूक के बजाय बैट और बॉल थमाया जाए तो बेहतर होगा। मुफ्ती ने कहा कि हमेशा से ही हमारे बच्चों का कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी को उन पर पत्थर फेंक कर बातचीत करने के लिए नहीं कह सकते। अगर हमें बातचीत करनी है तो हमें आतंकवाद खत्म करना होगा। मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि यह बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, सबको शांति के लिए एक साथ आना पड़ेगा। मैं झोली फैलाकर सबके पास जाऊंगी और सबसे कहूंगी कि बात करिए, क्योंकि उससे ही मसला हल होगा। आपको बता दें कि 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सर उठाया था, तब 1990 में अफ्सपा कानून जम्मू कश्मीर में लगाया गया था और तब से आज तक जम्मू कश्मीर में यह कानून सेना को प्राप्त है। इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर की सेना को किसी भी व्यक्ति को बिना कोई वारंट के तलाशी या गिरफ्तार करने का विशेषाधिकार है। यदि वह व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध करता है तो उसे जबरन गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार सेना के जवानों को प्राप्त है। अफ्सपा के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग का भी पूरा अधिकार है। अगर इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही फायरिंग करने या आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी। बुरहान वानी की मौत के बाद से ही कश्मीर सुलग रहा है। आज कर्फ्यू का 105वां दिन है और ऐसे वक्त में अफ्सपा हटाने का सीएम का ये बयान कश्मीर में शांति बहाली के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।